बॉलर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, शायान बिल्कुल तैयार, और इसको स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। शायान आज के फाइटर ऑफ द मैच, श्रवण कुमार सर जो कि ईशांत शर्मा के कोच रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, सुबह के 7:30 हो चुके हैं और इस वक्त आप देखेंगे कहीं भी सूरज का नामो निशान नहीं है। जबरदस्त ठंड दिल्ली में हो रही है इस वक्त, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, एक और नए टूर्नामेंट का आज से आगाज होने वाला है इस नए साल में। आप सभी को नए साल 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। शायान की जर्नी शुरू हो चुकी है नए साल की पहली सुबह और एक नई शुरुआत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को नए साल 2024 की ढेर सारी बधाइयाँ। मेरे लिए 2023 बहुत अच्छा गुजरा और उसमें बहुत सारी अच्छी यादें भी हैं और अब मुझे इस नए साल को भी अच्छा बनाने की कोशिश करनी है और उसकी शुरुआत आज से ही होने वाली है। चलो गाइस, आपको एक नया ग्राउंड दिखाता हूँ। हम लोग एक बार फिर से पहुंच चुके हैं बिल्कुल नए ग्राउंड पे एक और नए टूर्नामेंट का आगाज करने के लिए, जो कि शायान के लिए एक नई शुरुआत होगी नए साल के पहले दिन। शायान पहुंच गए हैं पिच रिपोर्ट के लिए, पिच का मुआयना कर रहे हैं। इस पिच पे शायान का ये पहला मैच है, तो शायान क्या लगता है इस पिच के बारे में, क्या कहेंगे आप? पिच तो बहुत अच्छी तरीके से रोल्ड है और थोड़े क्रैच किया, लेकिन वो बहुत आगे है, तो अगर बैट्समैन शफल करके खेले तो उन बॉल्स को फुल टॉस बना सकता है और आगे तो फ्लैट ही पिच है। 8:30 हुए हैं और सबसे पहले शायान ग्राउंड के ऊपर पहुंच गए हैं। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है चारों ओर और अब शायान मैच से पहले नेट प्रैक्टिस के लिए निकल पड़े हैं। क्रिकेट वंडर्स इंडिया के बैटिंग ग्लव्स और बैट के साथ शायान की प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाली है। गाइज, आप भी ये सारे क्रिकेट गियर्स अपने 4 साल से 14 साल के बच्चों के लिए मंगवा सकते हैं। अगर मंगवाना चाहते हैं तो क्रिकेट वंडर्स इंडिया का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शायान अपनी टीम के साथ वार्म अप सेशंस में जुट गए हैं। फर्स्ट पीकॉक क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 12 2023-24। आज दूसरा मैच है, दूसरा लीग मैच, आरपी क्रिकेट एकेडमी और रोहतक रोड जिमखाना के बीच। दोनों ही कप्तान पहुंच चुके हैं, सिक्का उछाल दिया गया है और टॉस जीतकर शायान की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। 30 ओवर्स का ये मैच खेला जाएगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज शायान और वेदांश निकल पड़े हैं। फर्स्ट पीकॉक अंडर 12 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज करने के लिए मैदान के बीचों बीच। शायान आ गए हैं सामने मैदान के बीचों बीच गार्ड्स लेते हुए। एक और नए बॉलर आ गए हैं अपनी पहली और इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर। सामने आ गए हैं शायान और इसको मिड विकेट की दिशा में खेल के पहली ही गेंद पे खाता खोल लिया शायान ने अपना। एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर और सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया है गली की दिशा में। फील्डर पीछे मौजूद हैं, हालांकि एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पे एक और रन का इजाफा, हालांकि थोड़ा मुश्किल रन जरूर था। बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद है लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और इसको फ्लिक कर दिया है बहुत ही बारीकी से, सीमा रेखा के पार चली गई बॉल। शायान के बल्ले से ये पहला चौका। बॉलर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, शायान बिल्कुल तैयार
और इसको स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। शायान के बल्ले से ये दूसरा चौका और इसके साथ ही शायान डबल फिगर्स में पहुंच गए हैं 12 रनों पे। एक बार फिर से बॉलर ने भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया गली की दिशा में और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। तीसरा चौका शायान के बल्ले से। स्पिन गेंदबाजी की शुरुआत हो गई है, पहला ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर और सामने आ गए हैं शायान और इसके साथ ही गली की दिशा में खेल के वहां पे बड़े ही चतुराई से सिंगल चुड़ा लिया है अगली गेंद लेकर बॉलर और इसको ऑन साइड पे खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 13 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 65 रनों के कुल योग पे 4 विकेटें गिर चुकी हैं और शायान एक बार फिर से आ गए हैं सामने बल्लेबाजी के लिए और इसको हल्के हाथों से मिड विकेट की दिशा में खेल के एक और रन लेने में कामयाब हो गए शायान। अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से सामने शायान और इसको खेल दिया है गली की दिशा में हल्के हाथों से, वहां पे फील्डर पीछे थे, एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर सामने शायान और इसको खेल दिया है कवर्स के ऊपर, अच्छी फील्डिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से शायान तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अभी भी 15 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस इनिंग्स में। एक और नए बॉलर आ गए हैं अपने नए ओवर लेकर और सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। शायान के बल्ले से ये चौथा चौका, 25 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही शायान। बॉलर एक बार फिर से, शायान बिल्कुल तैयार और इसको खेला है ऑन साइड पे, पीछे फील्डर मौजूद हैं लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। नए ओवर की शुरुआत हो गई है, सामने आ गए हैं शायान और इसके साथ ही मिड विकेट की दिशा में खेल दिया ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। शायान ने अपना 30 मुकम्मल कर लिया है, 30 रनों पे पहुंच गए 5 चौकों की मदद से। बॉलर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, शायान बिल्कुल तैयार और इसको घुमा दिया है स्क्वायर लेग की तरफ और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 6 बाउंड्री शायान के बल्ले से। अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से सामने शायान और इसको खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में और वहां पे बड़ी ही चतुराई से और आसानी के साथ रन पूरा किया। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए शायान और इसको घुमा दिया इसको अलग बाउंड्री की तरफ और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 7th बाउंड्री शायान के बल्ले से। अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से शायान बिल्कुल तैयार और इसको बहुत ही फाइन खेला है सीमा रेखा के पार, 8th बाउंड्री शायान के बल्ले से। इसके साथ ही 44 रनों पे पहुंच गए हैं शायान। अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से शायान अपने 34th 50 से सिर्फ 4 रन दूर और इसको खेल दिया है दोनों ही फील्डर के बीच से। माफ कीजिएगा, ये शायान के बल्ले से 9th बाउंड्री और इसके साथ ही शायान 48 रनों पे पहुंच गए हैं। बॉलर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर शायान अपने 34th 50 से सिर्फ 2 रन दूर और इसको खेल दिया है गली की दिशा में और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। इसके साथ ही शायान के बल्ले से 34th हाफ सेंचुरी, वेल प्लेड शायान। 2024 का ये शायान का पहला अर्धशतक और ये लगातार तीसरा अर्धशतक शायान के लिए, बैक टू बैक शानदार बल्लेबाजी की है आज एक बार फिर से शायान ने। 10 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूरज अब बादलों को चीरते हुए धीरे धीरे मैदान के ऊपर अपनी किरणें बिखेरने लगी है और शायान एक बार फिर से सामने आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक और नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर सामने शायान और इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर सीमा रेखा के पार, 11th बाउंड्री शायान के बल्ले से। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर और इसको खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद हैं हालांकि रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। बॉलर एक बार फिर से शायान बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया है इसको अलग बाउंड्री की तरफ और ये 12th बाउंड्री शायान के बल्ले से। इसके साथ ही शायान 61 रनों पे पहुंच गए हैं। बॉलर एक बार फिर से सामने शायान और इसको सीधा हाथों में कवर्स के ऊपर मार दिया और इसके साथ ही 61 रन बनाकर आउट हो गए शायान। इसके साथ ही 6th विकेट का भी पतन हो गया है 129 रनों के कुल योग पे। इनिंग्स की आखिरी गेंद और इसको खेल दिया है कवर्स की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद और शानदार
दो रन लेने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही 148 रन बनाने में कामयाब हो गई। बढ़िया ना, बढ़िया बेटा, शाबाश शायान की टीम। 8 विकेटों के नुकसान पे 30 ओवर्स के खात्मे के बाद दोनों ही सलामी बल्लेबाज निकल पड़े हैं मैदान के बीचों बीच 149 रनों का पीछा करने के लिए। अंपायर का इशारा हुआ, बॉलर अपनी और दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद लेकर और इसको खेल लिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वहां पे फील्डर मौजूद है, रन की गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल से शुरुआत हुई दूसरे इनिंग्स की। 22.4 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। विपक्षी टीम ने 143 रन स्कोर कर लिए सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे। इस मैच को जीतने के लिए अब सिर्फ 6 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को। और इसके साथ ही एक बार फिर से कवर्स की दिशा में खेल के वहां पे एक और रन ले लिया। अब बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया, सिर्फ 5 रनों की दरकार विपक्षी टीम को, और इसको खेल दिया है कवर्स के ऊपर से और यह सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। स्कोर लेवल हो गया है इसके साथ ही। नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सिर्फ 1 रन दूर विपक्षी टीम इस मैच को जीतने से। और उम्दा शॉट, शानदार फील्डिंग शायान की, कवर्स के ऊपर, रन की गुंजाइश नहीं। बॉलर एक बार फिर से, बल्लेबाज तैयार, एक और उम्दा शॉट, एक और अच्छी फील्डिंग, हालांकि रन लेना चाहते थे, अंत में सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच गए दोनों ही बल्लेबाज। एक बार फिर से बॉलर, बल्लेबाज तैयार, एक और उम्दा शॉट और ये शानदार चौके के साथ मैच का खात्मा कर दिया है। और इस तरीके से विपक्षी टीम ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया है। शानदार बल्लेबाजी की, शानदार गेंदबाजी की और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया कुल मिलाकर विपक्षी टीम ने। और इस तरीके से मैच का खात्मा हो गया है और अब दोनों ही टीमें एक दूसरे से आपस में मिलते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए। मैन ऑफ द मैच करविन, हमारे सरवन कुमार सर हैं, रोहतक रोड के कोच हैं, ईशान शर्मा के भी कोच रहे हैं सर, रिक्वेस्ट करो। मैन ऑफ द मैच, वेल प्लेड बॉय, फाइटर ऑफ द मैच फ्रॉम आरपीसीए शायान जमाल, फाइटर ऑफ द मैच, शानदार 61 रन स्कोर किए 12 चौकों की मदद से। नए साल पे पहले ही दिन शायान को मिली है ये शानदार ट्रॉफी फाइटर ऑफ द मैच की। हालांकि मैच जीतने में नाकाम रहे, उम्दा बल्लेबाजी की शायान ने 61 रनों की अपनी टीम की तरफ से अकेले ही लड़ते रहे और दूसरी तरफ से विकेटें लगातार गिरती रहीं और सिर्फ 148 रनों के कुल योग पे 30 ओवर का खात्मा हो गया और 8 विकेटें गिर गई थी। विपक्षी टीम ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया और इस तरीके से मैच का खात्मा हो गया। एनीवे, वेल प्लेड शायान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गाइज, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दें और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और मैच के साथ नेक्स्ट वीडियो में।